से पूरी ख़त्म हो रखी है बाइक। तो गाइज अपने सामने चल रही है एक स्प्लेंडर, तो गाइज आप इसकी स्पीड देख सकते हो, मेरी जब 98-97 है, 94 है, तो इससे कितनी होगी भाई ने पूरा टोटल दे रखा है और फुल भगाने लग रहा है देख के। मैं पीछे से बाइक को देखते हुए आ रहा था बट भाई ने जैसे देखा तो तुरंत भगा ली, बट भाई ने भाई पूरा एक्सलेशन दे रखा कितने की स्पीड है भाई की। भाई 90 की स्पीड तो भाई की होगी ही मिनिमम, अगर 96 पे 95 पे मेरी बाइक आगे नहीं निकल पा रही है तो भाई 95 ही है, 95 से प्लस ही है यार। स्प्लेंडर में यार काफ़ी दम है इसलिए इसको बाइक यार वो बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छी बाइक है यार स्प्लेंडर। एंड एम्बुलेंस है, पीछे आ रही है गाइस अपने एम्बुलेंस है। गाइस यार एम्बुलेंस हो गई है शायद स्टक यहाँ पे, एंड कोशिश करते हैं इसको निकलवाने की। ओ शिट गाइस, लगता है यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। पीछे भी है एक बाइक एंड शायद इस बाइक को भाई काफी इंजरी आई है। ओ एक आर्थरी वाला बंदा भाई अपने साथ ही था क्या ये बंदा? है अपने साथ था ये बंदा, अपने साथ था तो ये बस में ठुक गई है भाई, ये गलत सीन हो गया यार यहाँ पर। फिलहाल ये देख लो आप आर3 की हालत, साइड से पूरी खत्म हो रखी है बाइक, साइड से पूरी खत्म है भाई। अपने ग्रुप का बंदा नहीं था पर जो भी था, ये भाई एम्बुलेंस वाले बोल रहे हैं हटा लो यहाँ से बाइकों को, और पुलिस वाले ही बोल रहे। तो गाइज ये हो गया गलत सीन आज भाई, आई होप यार उस बंदे को ज्यादा ना लगी हो। ऑफ करके चल रहे हैं अब यहाँ से हम, यार ये जो है ना ऐसे ही बस वाले नहीं गाड़ी वाले भी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी अभी, गई आर3 गाइस शोर मचाती हुई। जस्सी भाई की अब तो गाइस मैं बता दूं आपको कि मैं भी आज जस्सी भाई के साथ ही जा रहा हूँ अपनी बाइक पे वो स्टिकरिंग वगैरह करवाने, तो मैं यार जस्सी भाई जाएंगे यहाँ से, तो आज का शायद हो सकता है मेरा पूरा दिन ख़राब जाए या फिर पूरा दिन सही जाए, कुछ नहीं पता अभी से।